कुख्यात अपराधी जुबैर कुरैशी, जो कि नागपुर शहर का बहुत बड़ा गुंडा है, एमपीडीए एक्ट के तहत उसे स्थानबद्ध करने का निर्णय लिया गया। जुबैर कुरैशी एक बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी जिसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। कुरैशी का कई हत्याओं में भी हाथ है, चोरी, लोगों को धमकाना और कई गैरकानूनी काम किए। जुबैर कुरैशी ने अब तक कई गंभीर अपराध किए हैं, जिस वजह से लोगों के मन में उसके प्रति डर की भावना उत्पन्न हुई। 2019 में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, उस पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। जुबैर कुरैशी के अपराध के किस्से अब अनियंत्रित हो चुके हैं, जिस वजह से उसे नियंत्रण में लाने के लिए यशोधरा पुलिस ने उसके कार्य पर रोक लगाने के लिए उस पर कार्रवाई की। परिणाम स्वरूप उसे स्थानबद्ध किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त निर्देश भी जारी किया जाएगा। नागपुर के मध्यवर्ती कारागृह में रखा गया है। यह कार्रवाई पुलिस मंडल 5 के पुलिस उपायुक्त नीलोत्पल के मार्गदर्शन में की गई है। काल 31/8/2020 रोजी एक एमपीडीएची कारवाई पूर्ण करण्यात आली आहे। त्या गुन्हेगाराचं नाव आहे जुबैर कुरैशी, साकीर कुरैशी। त्याचं वय 23 वर्ष आणि तो वंदेवीनगर परिसरात राहत आहे। त्याची मोडस ऑपरेंडी गेल्या 2 वर्षापासून अशी आहे की गँगवार किंवा गुंडांसोबत, इतर गुंडांसोबत नशा करणे आणि भाजीवाले विक्रेते, तसेच बेरबारवाले, तसेच ॲटोवाले यांना धमकावणे, त्यांच्याकडून पैसे घेणे आणि परिसरात ज्या वस्तीमध्ये जे आपलं वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी प्राणघातक हल्ले करणे, अशा प्रकारचे त्याचे नागपूर शहरामध्ये 2-3 पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत गेल्या 2-3 वर्षापासून। त्यापैकी कपिलनगर पाचपाली हद्दीमध्ये आणि आपल्या यशोधरानगर हद्दीमध्ये त्याच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत। तर तो सध्या जेलबंद असताना आम्ही त्याच्यावर एमपीडीए कारवाई केली आहे माननीय सीपी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आणि त्याला सध्या कमीत कमी 1 वर्ष, जास्तीत जास्त 2 वर्ष अशा प्रकारचा एमपीडीए प्रस्ताव तयार करून पाठवण्यात आलेला आहे आणि तो सध्या स्थानबद्ध म्हणजेच जेलमध्ये त्याला रवाना करण्यात आलं आहे। परिसरात आता शांतता आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज, नागपूर।